टावर सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 30 लाख कीमत की 6 इरिक्शन BBU व वारदात में प्रयोग कार भी बरामद की गई है। बता दें, जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने टावर सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 ने टावर सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी संदीप कश्यप पुत्र जोगिंदर सिंह वासी उमरी, सतीश कुमार पुत्र जगदीश चंद्र वासी चनारथल थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र में, गुलजार खान पुत्र यामीन वासी जाकिर हुसैन कॉलोनी मेरठ हाल किरायेदार सेक्टर 52 चंडीगढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 30 लाख कीमत की 6 इरेक्शन BBU वारदात में प्रयोग की गई एक कार बरामद करने में सफलता हासिल की है। आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि 5 जुलाई 2022 को शैलेंद्र कुमार पुत्र अर्जुन सिंह ने थाना जांसा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह RS सिक्योरिटी इंडस टावर कंपनी की ओर से बतौर सुपरवाइजर टावरों की सुरक्षा का काम करता है। उनकी कंपनी का एक टावर गांव सराय सुखी थाना जांसा में लगा हुआ था, जिसकी सुरक्षा व देखरेख का कार्य राजकुमार टेक्नीशियन कर रहा है। 29 मई 2022 को उनको सूचना मिली कि उनके टावर से कोई नाम बता मालूम व्यक्ति 6 इरेक्शन BBU चोरी करके ले गया है, जिसकी शिकायत पर थाना जांसा में मामला दर्ज कर जांच अपराध अन्वेषण शाखा 1 को सौंपी गई। 22 जुलाई को अपराध अन्वेषण शाखा 1 के प्रभारी निरीक्षक करमबीर सिंह के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक शरणजीत सिंह, बलबीर सिंह सहायक उप निरीक्षक, राजेश कुमार हवलदार, संदीप कुमार, प्रवेश कुमार व गाड़ी चालक उप निरीक्षक कृपाल सिंह की टीम ने मामले में जांच करते हुए वारदात में शामिल 2 आरोपी संदीप उमरी निवासी व सतीश कुमार पुत्र जगदीश चंद्र चनारथल थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत के रिमांड के आदेश से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वे काफी समय से एयरटेल के टावरों पर लेबर का काम करते हैं। उनको जानकारी थी कि टावर में लगने वाले इरिक्शन BBU बहुत कीमती होता है और जिसको किस तरह से निकाला जा सकता है। वे अलग अलग टावरों से इरिक्शन BBU चोरी कर लेते थे और उनको चंडीगढ़ में कबाड़ी गुलजार खान पुत्र यामीन वासी जाकिर हुसैन को भेज दिया करते थे। आरोपी संदीप कश्यप के कब्जे से 2 इरेक्शन BBU व वारदात में प्रयोग की गई एक कार व आरोपी सतीश कुमार के कब्जे से 2 इरेक्शन BBU बरामद कर ली गई। 23 जुलाई को आरोपियों की पहचान पर कबाड़ी का काम करने वाले आरोपी गुलजार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत के आदेश से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी के कब्जे से 2 इरेक्शन BBU बरामद कर ली गई। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी संदीप सतीश ने पुलिस की पूछताछ पर बताया कि वह अलग अलग टावरों से इरेक्शन BBU चोरी करते थे और उन्हें मिलकर वर्ष 2022 के दौरान करीब 14 वारदातों को अंजाम दिया। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र के थाना बाबैन के एरिया से 2 टावरों से, थाना कृष्णा गेट के एरिया से 1 टावर से, थाना झांसा के एरिया के 1 टावर से, थाना शाहबाद के एरिया के 1 टावर से, थाना इस्माइलाबाद के एरिया के 1 टावर से चोरी की थी। इसके अतिरिक्त आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने जिला करनाल के 4 टावरों से, जिला पानीपत के 1, जिला यमुनानगर के 2 व पंचकुला के 1 टावर से चोरी की थी। वे टावरों से इरेक्शन BBU चोरी करके 10,000 रुपए प्रति हिसाब से कबाड़ी गुलजार खान को बेचा करते थे। फिलहाल जांच जारी है। करीब 30 लाख की कीमत की इरेक्शन BBU सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली अपराध अन्वेषण शाखा की टीम को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने टावरों से करीब 30 लाख रुपए की कीमत की इरेक्शन BBU चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली अपराध अन्वेषण 1 की टीम को सम्मानित किया और अपने कार्यालय में टावरों से करीब 30 लाख कीमत की इरेक्शन BBU चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली अपराध अन्वेषण शाखा 1 के प्रभारी निरीक्षक करमबीर सिंह, उप निरीक्षक शरणजीत सिंह, बलबीर सिंह सहायक, उप निरीक्षक राजेश कुमार हवलदार, संदीप कुमार, प्रवेश कुमार व गाड़ी चालक उप निरीक्षक कृपाल सिंह की टीम को प्रशंसा पत्र में नगद इनाम देकर भी सम्मानित किया। कुछ दिनों से हमारे पास काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आ रही थी और FIR हुई। एक पर्टिकुलर इसमें एयरटेल कंपनी करवा रही थी कि उनके बेसमेंट यूनिट्स जो भी यूनिट्स हैं वो चोरी हो रहे थे और ये ना केवल काफ़ी कॉस्टली होते हैं बट क्योंकि एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट है तो ये 4G कम्युनिकेशन में बहुत अहम है तो इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था उस पार्ट का भी और जो सर्विसेज भी कई बार इंटरप्ट हो जाती थी या पुअर हो जाती थी। तो हमारी क्राइम टीम ने बहुत ही मेहनत से काम करते हुए CIA 1 इंचार्ज हैं इनके इंस्पेक्टर करमबीर, इन्होंने बहुत मेहनत करते हुए 6 मामले हमारे दर्ज हुए हैं कुरुक्षेत्र जिले के और उनको ट्रेस किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक संदीप कश्यप है और एक सतीश कुमार है। ये दोनों कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और ये इन यूनिट्स पे काफ़ी दिनों से 8-10 साल से लेबर का काम करते थे तो ये
जानते भी थे कि यूनिट्स की इम्पोर्टेंस कैसी है या कैसे इन्हें चोरी किया जा सकता है। तो इसमें एफर्ट करते हुए क्राइम टीम ने वो 6 यूनिट्स हमारे रिकवर किए हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने अपनी जो इंटर जब पुलिस को बताया दुराने कबूल किया तो इन्होंने ये बताया कि करनाल की 4 वारदात वो भी इन्होंने की हैं और एक पानीपत की भी है, यमुनानगर की 2 हैं और पंचकूला की 1 है। तो ऑल ओवर हरियाणा ये लोग जाके चोरियां करते थे। तो और भी हम इसमें लीड्स जितनी भी डेवलप करके और लोगों को भी पूरे उसको बदलेंगे। कुरुक्षेत्र के जो सारे हैं वो इतना वारदात खुल गए हैं। कितने रिकवरी हुई है? 6 की रिकवरी हुई बीबी यूनिट्स के। तो जिसने रिसिपियंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी जो इसमें खरीदता था उसको भी गुलजार को हमने गिरफ्तार कर लिया। और भी जितनी इसमें बैकएंड लिंकेजेस है पुलिस सारा खोलेगी और पूरी रिकवरी करेगी। और हरियाणा में मतलब काफ़ी सारी वारदात हैं जो ओवरऑल खुल गई हैं। गुलजार कहाँ का निवासी है? चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। कहाँ से पकड़े गए? हाँ जी, कहाँ से पकड़े गए? चंडीगढ़। बिकॉज ये बेचने जाते थे, निवासी ये दोनों यहाँ के हैं जो संदीप और सतीश हैं, बट वहाँ बेचने जाते थे तो अल्टीमेटली ये वहीं से पकड़े गए। चोरी का ही मामला है और भी कोई वारदात? अभी तक तो चोरी की ही वारदात सामने आई है। ठीक है। और इसी पर्टिकुलर चोरी में है ये, इनका जो बेसमेंट यूनिट है इसी की चोरी में इन्वॉल्व है और कोई चोरी भी इस तरह से और किसी यूनिट की नहीं सामने। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? नहीं, इनका यही रिकॉर्ड है इसी क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ। सो फार हमें यही पता। थैंक यू। थैंक यू।